नमस्कार साथियों, और आप सभी का लिटरेचर लवर्स में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं एके राजवी, और आज की इस छोटे से सेशन में मैं आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन की बातचीत करने वाला हूं। तो साथियों, बात यहां पर है कि कई सारी चर्चाएं बनी हुई हैं। जब से अभी शिक्षा सेवा जो आयोग है, तो उसका जो नोटिफिकेशन आया, या बोले तो नियमावली जो आई, तो उस नियमावली के बाद से कई सारी चर्चाएं हैं। देखिए, पहली चर्चा है कि जीएस एड होगा या नहीं। दूसरी बात यह है कि जो 2022 के टीजीटी पीजीटी के फॉर्म जो भरे जा चुके हैं, क्या उसमें भी जीएस एड हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि एग्जाम कब होगा। तो वन बाय वन मैं तीनों प्रश्नों पर मेजर बात कर लेता हूं, और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उस पर भी मैं डिस्कस कर लेता हूं। तो जो दोस्तों नई नियमावली आई हुई है, उस नियमावली के हिसाब से अगर देखा जाए, तो नियमावली के हिसाब से इस बात को मेंशन किया गया है कि आगे आने वाले एग्जाम्स में जीएस का भी एक पोर्शन होगा। जिस तरह से आपने अभी तक एलटी ग्रेड, या फिर कहें हम लोग कि जो एलटी ग्रेड की परीक्षा होती थी, उसमें दो पोर्शन होते थे, जिनमें से एक पोर्शन जीके जीएस का और एक जो पोर्शन होता था वो सब्जेक्ट का होता था। तो कुछ ऐसी परीक्षा की जो स्कीम है, वो आगे आने वाली परीक्षाओं में यूपी टीजीटी पीजीटी और एलटी ग्रेड में तो ऑलरेडी है ही, तो ऐसी जो है संभावनाएं बिल्कुल बनी हुई है कि ऐसा इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। कुछ बातों पर अगर मैं और विचार करूं, जैसे कि क्या 2022 की जो वैकेंसी जिसके फॉर्म भरे जा चुके हैं और कैंडिडेट्स ऑलरेडी अपनी प्रिपरेशन में है, तो अगर उसके रिगार्डिंग बातचीत की जाए, तो उसके रिगार्डिंग क्या परिवर्तन हो सकते हैं, मतलब क्या उसमें अब जीएस एड किया जा सकता है। तो देखिए, जहां तक मेरी श्योरिटी है कि उसमें नहीं ऐड किया जाएगा। हाँ, आगे आने वाली जो अलग वैकेंसीज होंगी, तो उन वैकेंसीज में यह संभव है कि उनमें जो है ऐड कर दिया जाए, ऐसा संभव है बिल्कुल। और ऐड क्या कर दिया जाए, ऐड हो जाएगा इस बात की श्योरिटी है, ये मानिए। तीसरा जो हमारा पॉइंट है, तीसरा पॉइंट हमारा ये है, पहला पॉइंट तो यही था कि जीके जीएस ऐड होगा 2022 में, हो जाएगा क्या। तो जीके जीएस आगे आने वाली वैकेंसीज में, जैसे मान लीजिए कि जो 2024 में आएगी, उसमें जो भी बातें होंगी साफ साफ नोटिफिकेशन में मेंशन होंगी, तो हम सभी लोग उस नोटिफिकेशन की बात को मानते हुए आगे बढ़ेंगे। अब रही बात की जो 2022 है, मैंने ये क्लियर कर दिया कि जहां तक उम्मीद है, वैसे ये पूरी उम्मीद है कि जिस तरह के पैटर्न पर आपका नोटिफिकेशन आया था, उसी पैटर्न पर आपकी परीक्षा हो जाएगी। अब तीसरी बात आती है कि परीक्षा कब होगी, टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड। देखिए, अभी जो परीक्षा की संभावनाएं हैं, उन परीक्षा की संभावनाओं पर कई तरह के न्यूज़पेपर या कई तरह की अलग अलग सूचनाएं आपको अलग अलग माध्यमों से, लाइक यू नो यूट्यूब, या फिर आप कहें न्यूज़पेपर, या कोई वेबसाइट, गूगल के थ्रू आप सर्च करते हैं। तो पहली बात मैं आपको बताऊं, गूगल पर सर्च की हुई हर एक चीज सही नहीं है। कैसे सही नहीं होती, इस बात को मैं थोड़ा क्लैरिफाई करना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए आपने सर्च किया यूपी टीजीटी पीजीटी एग्जाम डेट 2024, तो जब आप गूगल पर सर्च करेंगे अपने बेस्ड डेटा पर, बेस्ड डेटा जो भी उसको मिल जाएगा, तो वो आपके सामने 10-20 रिजल्ट दे देगा। उनमें से एक रिजल्ट ये भी दे सकता है कि 2024 मार्च अप्रैल के महीने में होनी। अच्छा, इस बात को मैं आपसे क्लियर कर दूं कि ये जो डेट यहां पर आपको मिल जाती है, तो ये डेट कोई जरूरी नहीं है कि वो अथेंटिक हो। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों, तो देखिए, गूगल हमारे और आपके द्वारा इनपुट डेटा के आधार पर, बेस्ड ऑन आर डेटा जो हम लोग वहां फीड करते हैं, उस पर ही वो रिजल्ट देता है ना। तो कई बार आपको ऐसी डेट मिल जाती। रही बात की परीक्षा की संभावना की, तो देखिए, जो भी संभावनाएं होंगी वो फरवरी के बाद, यानी फरवरी महीने के बाद ही कुछ जो ऑफिशियली अनाउंसमेंट होंगे, उसके साथ ही हमें इन बातों का पता चलेगा कि आगे क्या होने वाला है, क्या परीक्षा मार्च अप्रैल में होने वाली है या नहीं। अब रही बात कि क्या हम सर इस बेस्ड पर तैयारी कर लें कि मार्च और अप्रैल के महीने में एग्जाम हो सकते हैं, तो देखिए, तैयारी तो आपकी कभी नहीं रुकनी चाहिए। आपके सामने जो वैकेंसी हो, उस वैकेंसी की तैयारी कीजिए, साथ में आप टीजीटी पीजीटी की एलटी ग्रेड की तैयारी साइड में जरूर रखिए। ये करते चलिए, डेफिनेटली आपके लिए अच्छा होगा। तो मैंने तीनों बातों के जवाब दिए, और परीक्षा कब हो सकती है, जीके जीएस के रिगार्डिंग है ना, और क्या जीके जीएस आपको पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। तो देखिए,
ये आपके बेसिकली निर्णय पर बेस्ड है कि आपको पढ़ना शुरू करना चाहिए या नहीं। पढ़ने में कभी कोई बुराई नहीं है, अगर पढ़ लोगे तो नुकसान कभी नहीं करेगा, है ना। तो इन तीनों बातों पर मैंने आपके साथ बातचीत की, और ऐसी ही अपडेट्स के लिए देखिए, जब मुझे कोई ऑफिशियल अपडेट मिलेगी तो डेफिनेटली इसी चैनल पर आकर के मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इसीलिए ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए और सही जानकारी के लिए आप लिटरेचर लवर्स यूट्यूब के साथ ट्यून रह सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप अपना ख्याल रखिए एंड हैप्पी लर्निंग, ऑलवेज कीप ऑन लर्निंग, बेकार नहीं जाने वाला, है ना। आप अगर आपके सामने ये एग्जाम नहीं है, किसी और एग्जाम को ले लीजिए और चलते हैं। थैंक यू सो मच।